सीटें तो लोक जनशक्ति पार्टी की पिछली दफा ज्यादा आई थी, लेकिन उन 6 लोकसभा सांसदों की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। इस दफा 5 हैं, लेकिन ये 5 एमपीज बहुमूल्य हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अपने नए घर में, हमारे साथ चिराग पासवान है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे हम लोग पिछली दफा मिले पटना के मरीन ड्राइव में, तब आप थोड़े टेंस थे, अब आपको लग रहा है कि काफी कंफर्टेबल। उस वक्त परिणाम आने वाले थे एंड इस बात को लेके धक धक था कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बट आई थिंक गॉड्स बीन वेरी काइंड। और बिहार की जनता ने जो अपार प्यार और स्नेह दिया है इन विपरीत परिस्थितियों में, जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन रहा, पापा का भी रहता था, पिछली बार भी 19 में भी हम लोग 6 लड़े, 6 जीते, बट इस बार पहली बार था कि बिना उनके चुनावी रण में था, 5 सीटें मिली लड़ने के लिए। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का विश्वास था, मुझे लगता है, भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गठबंधन के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें उठा के दे दी गई हो लड़ने के लिए। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का विश्वास मुझ पर, मुझे खुशी इस बात की है कि उस विश्वास पे मैं खरा उतरा। फर्क क्या देखते हो, 6 और 5 ज्यादा थी लेकिन उसकी इतनी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं थी, 5 है लेकिन 5 में आप किंग है। ऐसा नहीं है कि किंग है या वैल्यू नहीं है, मुझे लगता है हर सांसद की एक अपनी अहमियत होती है और लोकतंत्र में हर सांसद की एक अपनी भूमिका होती है, गठबंधन राजनीति में भी होती है। बट हाँ, मेरे लिए इसके मायने ज्यादा हैं क्योंकि पहली बार पापा के बिना चुनाव लड़ा। अच्छा, बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। क्योंकि हकीकत यह है कि सेंट्रल हॉल में भी राजनीति की फिजा काफी बदली बदली नजर आ रही थी, आपने क्या नोटिस किया? मैंने कुछ नहीं, मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के उसी मजबूत इरादे को नोटिस किया जिस मजबूत इरादों के साथ उन्होंने 10 साल सरकार चलाई। राहुल, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये ना ये एक परसेप्शन बनता है या बनाया जाता है कि बहुत एक तरफा माहौल था 10 साल, इस बार शायद एनडीए है, साथ में है गठबंधन, सहयोगियों को लेकर चलना होगा तो चीजों में बदलाव आएगा। आई हैव एक्चुअली फेल्ट नो चेंज, 10 साल भी वैसे ही थे, ये भी वैसे। अब आप वैसे ना जैसे एक्टिंग होती है कि क्या क्या सही डायलॉग है वो डिलीवर करना है पार्लियामेंट के अंदर और सेंट्रल हॉल में अभी भी। अरे नहीं, मन ही मन तो आपके बड़े लड्डू फूट रहे होंगे कि 5 में तो लॉटरी लग गई। नहीं नहीं, मैं खुश बहुत हूँ, मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यू नो माई अफेक्शन टूवर्ड्स हिम, उनके प्रति मेरा जो समर्पण है वो आप जानते हैं। 14 के पहले भी था, बिल्कुल पहले था, इसीलिए हम लोग एनडीए में आए, और जब मैं 14 में आया था इसी सोच के साथ आया था कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है, आज तीसरी बार बन रहा है, खुशी तो है। पर आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं, फर्क तो है, पहले कहां एलआई जैसे आके ऊपर बैठा करते थे, पहले कहां जाए? ऐसा नहीं है, जब ऐसा होते थे जैसे कार्यक्रमों में, माई फादर ऑलवेज यूज टू बी देयर, वो उनमें से एक होते थे हमेशा उनके साथ। आप कोई नोटिस नहीं कर रहे हैं कि चेंज है? वी ट्राइंग टू रीड अ बिट टू मच बिटवीन द लाइंस राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत सामान्य है। ऐसी ही हम लोग की बैठकें होती थी, जैसे कल एनडीए लीडर्स की बैठक हुई जिसमें हम गए थे, ऐसी ही बैठक की इससे पहले भी होती थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी खुल के बोलते थे प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन, कल भी उन्होंने बोला इस बात को बहुत प्रमुखता से, आज भी उन्होंने कहा बहुत इजिली अवेलेबल हूं मैं 24 घंटे। इस वर्डिक को चिराग भाई आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपके हिसाब से बिहार में बाकी देश में जो परिणाम आए उसके आप क्या मायने निकालते? होता क्या है ना, हम लोगों ने अपने लिए इतने हाई टारगेट्स हम लोगों ने सेट कर लिए थे कि उसमें हुई थोड़ी सी चूक सवाल खड़े कर रही है कि भाई आप लोग अपने लक्ष्य से चूक गए, लक्ष्य से चूक गए। बट आई लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पिक्चर, जहां पे तीसरी बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए के बहुमत में तो किसी को शंका नहीं है, प्रचंड बहुमत हम लोग को मिला है, और ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, मतलब बैक टू बैक एक सरकार और एक ही प्रधानमंत्री को 3-3 बार बहुमत मिल जाना वन आफ्टर दी अदर, मुझे लगता है देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा मौका होने जा रहा है, तो अपने में ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं इसको एक उपलब्धि के तौर पे मैं मानता हूँ, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं इसका श्रेय देता हूँ क्योंकि पूरा चुनाव हम लोगों ने उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा। हाँ, कुछ सीटें कम जरूर हुई हैं, बिहार हम लोगों ने काफी अच्छा बनिस्पत हम लोगों ने संभाला, बट हाँ कुछ राज्यों में जहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम लोग को थी संभवतः वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ, कारण क्या रहा ये समीक्षा का विषय है जो करेंगे। अब तक जो आपने एनालिसिस किया 303-240 क्यों बना? मैं आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट, बट हाँ काफी चीजें हैं दिमाग में जो कारण संभवतः रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। मुझे लगता है एनडीए गठबंधन एक बार ये सरकार बनाने की गहमा गहमी थोड़ी सी शांत हो, उसके बाद तमाम सहयोगी आपस में बैठेंगे, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, चीजों को सुधारना होगा, और जो लक्ष्य हम लोगों ने 24 के लिए रखा था 29 में उसको पूरा करेंगे। 2.5 दशक से हम आपके दिल्ली में घर आ रहे हैं, आपके पिता पहले थे, बहुत बड़ा घर था, यहाँ पे आए, काफी छोटा घर है, आपको लग रहा होगा कि भाई पुराना घर लौटा दो।
भाई अगर मेरी ये लड़ाई मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे ऐशो आराम की होती तो मुझे लगता है बहुत पहले मैं बहुत सी परिस्थितियों के सामने नतमस्तक हो जाता और मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बट मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है ना, मेरे घर, मेरी सुविधाओं के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे निकला हूँ। तो ऐसे में बंगला गाड़ी की लड़ाई में मैं अपने आप को उलझा के नहीं रखना चाहता। घर, पुराना घर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बिल्कुल कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी बिल्कुल भी। मेरे सर पे छत है भाई, आप समझ रहे हैं, मतलब यू शुड बी सो थैंकफुल टू गॉड कि आपके सर पे छत है। कितने लोग अभी भी हैं जिनके सर पे छत नहीं होती है। ऐसे में रोज शुक्रिया अदा करता हूँ महादेव का, माता रानी का, कि सर पे छत है, खाने को दो वक्त की रोटी है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। क्या डिमांड किया आपने कैबिनेट फॉर्मेशन में, क्या पद चाहिए आपको? सो विल यू रियली बिलीव व्हेन आई विल से दिस? हाँ बताइए। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं। ये आप एक्टर हैं इसलिए डायलॉग पे डायलॉग दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ राहुल, और प्लीज आप जाके कहीं भी अपने सूत्रों से भी पता कर लीजिए, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी मैं कुछ मांगू। मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है। आज से 3 साल पहले मैं उन परिस्थितियों में नहीं था कि मैं यहाँ तक कि मैं सोच रख सकूं। ऐसे में बिना मांगे उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, इसके बाद भी मैं मांगूं तो ये बहुत लालच हो जाएगा। काफी चर्चा चल रही है कि बिहार की जो पार्टियां उनकी रेलवे पोर्टफोलियो पे ज्यादा नजर है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मेरी नहीं है कम से कम। तो आपको क्या लगता है आइडियल पोर्टफोलियो आपके लिए क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा भी नहीं उस बारे में। मैंने बिना ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो ना, कोई मानेगा नहीं। जितना आपको लोग देख रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ हूं मैं। एक्चुअली राहुल, मतलब ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में दूर दूर तक ये नहीं है। और आप जानते भी हैं मैं केंद्र की राजनीति से ज्यादा, अनलाइक माय फादर हु वाज यू नो वेरी मच इनटू सेंट्रल पॉलिटिक्स, मैं ज्यादा आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टेट पॉलिटिक्स। तो मेरा अभी ध्यान वापस से लग गया आज क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। हाँ, बिहार में आपका क्या रोल रहेगा भाई? हम लोग की पार्टी की एक अहम भूमिका, वापस से गठबंधन, एक साथ हम लोग पुनः चुनाव लड़ेंगे। बल्कि आप यकीन मानिए आज हम लोग जब सेंट्रल हॉल में बैठे थे तो मेरे मुख्यमंत्री के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे प्रचार होगा, कैसे हम लोग को साथ जाना है। सडनली बढ़ गया लगता है। बिल्कुल है? पहले जब कैंपेन चल रहा था तब थोड़े लचर नजर आ रहे थे, अब तो एकदम मैंने देखा चमक और छाती भी फूली हुई। मेरे मुख्यमंत्री एकदम फिट एंड फाइन, एक्टिव एकदम है, अगले विधानसभा के चुनाव उनके साथ हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि पहले तो उनको चेंज करने की चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि अगला चुनाव बीजेपी कभी चाहेगी नहीं कि नीतीश कुमार के साथ लड़े। अब तो नीतीश कुमार भी आप मानते हैं कि भारत के सबसे लकी पॉलिटिशियन है, हर बार लगता है उनकी विकेट ढीली हो रही है नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदल जाती है कि फिर विकेट टाइट हो जाती है। लकी नहीं, उन्होंने मेहनत किया, ही डिजर्व्स ऑल दिस। आज भी उनमें वो क्षमता है कि वो इतने सांसदों को जिताकर वो लाए हैं, तो इसका श्रेय उनको जाता है। हमारे गठबंधन का प्रदर्शन बिहार में इतना खूबसूरत रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री जी को जाता है। आपका उनका रिश्ता अब कैसा है, क्योंकि पिछली बार आपने ही उनका काम खराब किया था? अरे प्रभु, क्यों उन बातों को कुरेद कुरेद के निकालने की जरूरत है। बट हाँ, उस वक्त डिफरेंसेस थे। मतलब हम लोगों की आइडियोलॉजी में काफी मतभेद थे और इसीलिए मैं गठबंधन से अलग हो गया। तो भाई मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर आपको एतराज है, मतभेद है, तो आप गठबंधन से अलग हो जाइए। गठबंधन के भीतर रहकर भीतरघात करना ये गलत है। ये राजनीति का विद्यार्थी हूँ, सीखते हैं हम लोग ये सब कि गठबंधन धर्म सबसे ऊपर होता है और हर घटक दल को उसको निभाना चाहिए। आज की तारीख में खूबसूरत रिश्ते हैं और यही परिणामों में दिखे भी हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी मेरी पार्टी का प्रदर्शन रहा। पर आप काफी फाइटर निकले, क्योंकि पार्टी एक तरीके से आपसे छीन ली गई थी, ऐसा लगा कि आपको पैदल कर दिया गया है। लेकिन जब आपको राजनीतिक वनवास में लगा भी ऐसा कह ही दिया गया, हाँ, राजनीतिक वनवास में भी भेजा गया, आपने किसी तरीके से अपने आप को एक्शन हीरो बनाने की फिर से तैयारी कर ली और सफल भी हो गए। पापा ने ये चीज सिखाई थी, कभी गिव अप नहीं करना है। परिस्थितियां भले कितनी कठिन हो, कितनी भी विपरीत हो, जब आप यहाँ से हार मान लेते हो ना तो आप हार जाते हो। जब तक आप यहाँ से हार नहीं मानते और आप लगे रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। समय जरूर लगता है, धैर्य और परिश्रम, इसका पर्यायवाची कुछ नहीं हो सकता। पर इन्हीं लोगों ने आपको पैदल किया था, जो अब आपको हीरो बना रहे हैं, सर पे चढ़ा रहे हैं, इन्होंने ही आपसे पार्टी छीनी थी। शक का बीज एक कहीं ना कहीं वहां पे सो हो गया कि एक शक का बीज है वहां पे कि मेरी पार्टी मुझसे छीनी थी। कोई पैदल करने वाला नहीं होता, कोई आपको सराखों पे बैठाने वाला नहीं होता, सब कुछ जनता है। जनता आपको चाहेगी, आप यहाँ रहिएगा, नहीं चाहिएगा का नहीं चाहेगी तो आप जमीन पर होंगे। सो व्हेन यू इन पब्लिक डोमेन एवरीथिंग लाइज इन देयर हैंड। नहीं, बल्कि अगर यूपी
और बिहार को कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट काफी छिटका, क्योंकि आप यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जीतन राम मांझी जी भी एनडीए का हिस्सा थे, तो यही एक वजह है बड़ी कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो बिहार में नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इससे आपकी अहमियत और बढ़ जाती है। नहीं और बिल्कुल, और ये हम लोग को सिखाता भी है कि भाई आगे अब हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ने क्या है ना, बहुत झूठ बोले, बहुत भ्रम फैलाए संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र तक को लेकर। इमेजिन कीजिए कांग्रेस लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा जैसी बातें करती है, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। पर दलितों ने माना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कि संविधान बदल रहा है, और बहुत बड़ा फैक्टर भी निकला चुनाव में। कहीं ना कहीं उनके इस फॉल्स नैरेटिव को हम लोग डिफ्यूज नहीं कर पाए, ये कमी हम लोगों में उत्तर प्रदेश में रही। इसी का मैंने जिक्र किया कि जब एनडीए के तमाम घटक दल बैठेंगे इस पर चर्चा मंथन होगा और इन चीजों को रेक्टिफाई किया जाएगा। अभी कुछ इश्यूज हैं, जैसे अग्निवीर पे आपने डिमांड किया कि रिव्यू होना चाहिए, किस तरह का रिव्यू चाहते हैं और क्यों? वेल, मैंने डिमांड नहीं किया, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये आया था और मैंने उस बात पे सहमति मैंने जरूर दी है कि अगर कोई घटक दल किसी भी योजना के बारे में चाहता है कि उस पर एक बार चर्चा हो जाए या एटलीस्ट समीक्षा हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग को पता भी नहीं है कि जिस सोच के साथ अग्निवीर योजना को लाया गया था क्या वो सोच धरातल पर पहुंची, क्या युवाओं में उसको लेकर जोश है, क्या युवाओं में उसको लेकर उत्साह है, तो अभी तक उसकी कोई समीक्षा या हुई होगी मेरी जानकारी में नहीं है। अब क्या चाहते हैं? जेडीयू ने आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए अग्निवीर की? नो, जेडीयू ने इसकी डिमांड की थी, मैंने उनका समर्थन किया कि एक बार इसकी समीक्षा हो जाए, पता चल जाएगी क्या इसमें हम लोगों को कुछ और सुधार करने की जरूरत है या जैसे ये योजना चल रही है ठीक चल रही है। तो जेडीयू की डिमांड नहीं, क्योंकि युवाओं के लिए बड़ा इशू है, बिहार में कई लोग हैं जो फौज में जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपका कोई आइडिया है कि क्या होना चाहिए? नहीं, फिलहाल कोई आइडिया नहीं है भाई, जैसा मैंने कहा कि एक बार समीक्षा रिव्यू होना चाहिए। हाँ, एक रिव्यू हो जाए, और एंड दैट टू बिकॉज जनता दल यूनाइटेड वांट्स। भाई ये हर घटक दल के पास ये लिबर्टी तो है ना कि अगर वो केंद्र सरकार का हिस्सा है तो अगर किसी योजना में बेहतर सुधार का सुझाव उनके पास है तो उसमें एक बार चर्चा हो। पहले नहीं थी लिबर्टी है, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, पर ये लिबर्टी हमेशा थी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, 2018-19 की बात है, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया था, डाइल्यूशन माननीय न्यायालय के द्वारा उसके कई धाराओं में कर दिया गया था। हम लोगों ने सरकार के समक्ष इस बात को रखा, सरकार ने हम लोगों की बातों को सुना, उसके लिए सदन को 2 दिन एक्सटेंड किया और इसके ऊपर चर्चा करके इसको पुनः उसी स्थिति में इसको स्थापित किया गया, इस कानून को। तो ये गुंजाइश तब भी थी, ये गुंजाइश आज भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप कैसे देखते हैं जरा भाई? सो मैं इसको किसी भी नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि हम लोग के पास इसको देखने के लिए ही कुछ नहीं है जब तक कोई पहला ड्राफ्ट ही नहीं आता। यूसीसी को लेकर चर्चा बहुत हो रही है, बट जब तक लॉ कमीशन के द्वारा कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता। एक राज्य में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, बट जिस राज्य में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है उसमें अनुसूचित जनजाति को इससे अलग रखा गया है। राहुल भाई, होता क्या ना कि जब आप यूसीसी की आप बात करते हैं तो पूरा एक फॉर्मेट, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बट ये हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग बोलियां हैं, वेशभूषा हैं, भाषाएं भाषाएं हैं, बोलचाल रहन सहन बहुत अलग है। आप नॉर्थ टू साउथ जाइए, आप ईस्ट टू वेस्ट जाइए, बहुत विविधताएं हैं। ऐसे में सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आप कैसे आएंगे मुझे नहीं पता। उसके लिए मुझे वो ड्राफ्ट जानना होगा जो अभी तक लॉ कमीशन के द्वारा हम लोग के सामने आया नहीं है। हैविंग सेड दैट, आप हिंदू परंपराएं भी देखेंगे, अप नॉर्थ अलग है, अप नॉर्थ जिन जो जो परंपराएं बाधित हैं वो डाउन साउथ एप्लीकेबल हो जाती हैं। ऐसे में सबको एक उसके नीचे लाना, अम्ब्रेला के नीचे लाना, एंड देन स्केड्यूल ट्राइब्स, ट्राइबल्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम लोग प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो यूसीसी कैसे उस पर इम्प्लीमेंट होगा या इम्प्लाई किया जाएगा, ये भी समझने की जरूरत है। आप ओपन है यूसीसी के लिए? मैं ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए तो कम से कम ओपन हूँ ही कि एक बार समझ में तो आए कि क्या है। साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट है, तो क्या आप सेंटर की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार लौटना चाहते हैं? मैं बिहार जाना चाहता हूँ भाई, मेरा राजनीति में आने का लक्ष्य है, उद्देश्य कारण ही बिहार। सेंटर का पोर्टफोलियो छोड़ देंगे बिहार के चक्कर में? भाई मेरे लिए अभी बिहार विधानसभा के चुनाव मेरी प्राथमिकता नहीं है। आप कहाँ रहना चाहते हैं? मैं बिहार में ज्यादा समय देना चाहता हूँ। दिल्ली में मिनिस्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है? सही में आई वॉन्ट टू सर्व। आप हर चीज तो डायलॉग की तरह बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है बिहार? आप या तो आप ऐसे बोलें कि अगर मैं सीएम बनूं तब मैं बिहार जाना चाहता हूं, तब तो अलग बात है। मैं जिस उद्देश्य के साथ राजनीति में आया हूं, मुंबई में मैं था, आप जानते ही हैं इस बात को, वहां पे मैंने देखा है बहुत क्लोज क्वार्टर से किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। उस वक्त मैंने ये फैसला इसीलिए लिया था कि वापस अपने राज्य जाऊंगा और बिहार का खोया हुआ गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता वापस लेकर आना है, उसकी लड़ाई है मेरी। तो ऐसे में ये मैं दिल्ली में रहकर तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता,
बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ, इसके लिए मुझे बिहार में ही रहकर अपने इस विजन को धरातल पर उतारना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी की इनिंग्स एक तरीके से खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है, पॉलिटिकल इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि आपका आपके लिए दरवाजा खुल सकता है वहां पे उसके बाद? मैं महत्वाकांक्षाओं में नहीं जी रहा भाई, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। रास्ते में जो जिम्मेदारी आएगी वो सहज स्वीकार तो जरूर करूंगा। वो तस्वीरें आपकी वायरल हुई, आप अपनी पुरानी हीरोइन और अब मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद कंगना रनौत जी से मिले, क्या डिस्कस हुआ आप लोगों के बीच में? नथिंग, इट वाज अ नाइस शॉर्ट मुलाकात एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एक लंबे समय के बाद मुलाकात हुई, पार्लियामेंट हम दोनों एक साथ गए, एक फिल्म में हम दोनों ने एक साथ काम किया। और मैंने कहा, एक्चुअली वो उसी रील का जिक्र कर रही थी, मैंने कहीं तो किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि मिले ना मिले हम लोगों ने की थी साथ में, तो हमारी फिल्म का नाम था। मेरी तो इंटरव्यू में कहा था। हाँ, अभी के इंटरव्यू में मैंने कहा था, तो वहां पे लोग मिलने तो नहीं आए, अब हम लोग पार्लियामेंट में मिलने जा रहे हैं। तो फाइनली वो वेट समाप्त हुआ और हम दोनों पार्लियामेंट में आज हम दोनों की मुलाकात हुई। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई हीरो हीरोइन रहे हो। या दैट्स राइट, एक्चुअली मुझे नहीं पता दूसरा उदाहरण, बट या ये रहा अच्छा। उनके साथ जो वाकया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ, जहाँ पे किसी CISF की अधिकारी ने उनको थप्पड़ मारा कथित तौर पे, उसको आप कैसे देखते हो? गलत है, पूरी तरीके से गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी का मैं हमेशा से मैं समर्थक में रहा हूँ, और ये मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, कंगना ने भी अपने पक्ष को रखा, जिन्होंने उनके ऊपर इस तरीके से एक्शन लिया, उन वो भी अपनी बातों को रख सकती थी। आप बातों को रख सकते हैं, मैंने हमेशा से मैंने कहा है कि सभ्य समाज में गाली गलौज, हाथ चलाना, किसी के ऊपर हिंसा का इस्तेमाल करना, इसकी कतई कोई जगह नहीं हो सकती। अगर आपको विरोध था, आप उनके सामने खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराती, आप उनको बताती कि भाई आपने जिनके बारे में कहा वो मेरी माँ है, ऐसा है वैसा है, जो भी आपको अपनी बातें रखनी थी आप ऊंचे स्वर में रख देती, पर मर्यादित शब्दों में और मर्यादित आचरण के साथ आप रखती तो मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता। पर इस तरीके से किसी के ऊपर, और मैं महिला पुरुष में मैं नहीं जाऊंगा भाई, किसी इंसान के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकता, ये इजाजत किसी को नहीं है। पिछली लोकसभा में सांसद आपके ज्यादा थे, रोल आपका कम था, इस बार सांसद थोड़े कम है, रोल आपका ज्यादा है। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको चिराग पासवान से और आपकी पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले 5 साल? वेल, ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगले 5 सालों में हम लोग सरकार में एक पहरेदार की तरह हैं, और ये बात ये भूमिका हम लोग 2014 से निभाते आए। किस चीज के? समाज के एक ऐसे शोषित वंचित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हम लोग की पार्टी करती है, और खास तौर पर अब एक जनरेशनल शिफ्ट होने के बाद समाज के एक बड़े वर्ग का जो युवाओं से का जुड़ा हुआ वर्ग है, जिसका जिक्र मैंने हमेशा से किया, 65% आबादी देश में ऐसी है युवाओं की जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और रिपीटेडली मैंने उनकी आवाज उनके लिए जॉब संसद बहुत में बड़ा बिल्कुल बिल्कुल जॉब इश्यूज हैं, मैंने पिछले सदन में ही मांग की थी, मुझे लगता है इस बार उसको हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। मैंने एक युवा आयोग के गठन की मांग मैंने पिछले सत्र में भी मैंने मजबूती से की थी। भारत में भाई हर तरीके के आयोग हैं, महिला आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हैं, बाल आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग हैं, महिला आयोग हैं, हर तरीके के आयोग हैं, पर देश में जो सबसे बड़ी आबादी युवाओं की, अभी तक युवाओं के लिए कोई आयोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक नेशनल यूथ कमीशन का गठन हो, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो, जो युवाओं से जुड़ी हुई हर समस्या पर अध्ययन करे, उसके ऊपर कार्य करे, उसको धरातल पर उतारने का काम करे, एक नोडल एजेंसी के तौर पर ये काम करे, जहां पे युवा अपनी समस्या के साथ जाए। हम लोग अभी भी क्या है ना, युवाओं को सिर्फ इस बात से जोड़कर देख लेते हैं कि युवा है या तो शिक्षा की समस्या होगी या नौकरी की समस्या होगी, बट कई ऐसे युवा हैं जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं, जो खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उनके पास वो विकल्प नहीं है या वो रास्ता नहीं है कि कैसे वो जाए। तो ऐसे में ये युवा आयोग उनके लिए मददगार साबित होगा, इस सोच के साथ मैं इसका गठन करना चाहता हूं। तो अगले 5 साल युवाओं की आवाज को बुलंदी से उठाने का काम, और हम लोग की एक युवा पार्टी भी है भाई, मैंने कहा था लास्ट टाइम MY समीकरण है मेरा भी महिला और युवाओं का, 5 में से 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं, तो ऐसे में महिलाओं की भी आवाज बुलंदी से उठाई जाएगी, युवाओं की भी। चलिए, बहुत सारा ध्यान आप पे रहने वाला है, इस बार का पार्लियामेंट ही कुछ ऐसा है, हालांकि आप कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे हंसी और आपकी आंखों की चमक बता रही है कि बहुत कुछ बदल चुका है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला चिराग पासवान, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।